वाले हैं, पेको पेको, नोरो नोरो, किरा किरा, हाकी हाकी, इन जैसे कुछ एडवर्ब्स। और इसके बाद हम सीखेंगे कुछ और भी, उनको भी एडवर्ब्स ही कहते हैं, जैसे क्यूनी, सासोकु, साकी होदो, साकी। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के साथ, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि सिर्फ इंग्लिश मीनिंग से आपका काम नहीं चलेगा। इंग्लिश मीनिंग हेल्प के लिए होता है, लेकिन असली मीनिंग उसको आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में ही सीखना है। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। और इस वीडियो में हम सेंटेंसेस के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं इन पैटर्न्स में। N3 एडवर्ब्स लाइक पेरा पेरा, कोसो कोसो, नोरो नोरो, हाकी हाकी, किरा किरा। So this is not a song, these are adverbs. Minasan konnichiwa, kyō wa Nihongo no fukushi o naraimasu. Fukushi toyu to doshi no mae ni kuru kotoba desu. Tatoeba kotaeru toyu no wa doshi desu. Kotaeru wa doshi desu, to answer. Demo fukushi toshite wa haki haki wa kono bai wa tsukaemasu. Tatoeba haki haki kotaeru, to answer promptly, to answer very fast, to answer very clearly. So let's learn these kind of adverbs in our section. Today we are going to cover very basic N3 verbs, and then we'll cover some advanced adverbs and some other important words that come before verb. Welcome to Nihongomax, my name is Ravi. Let's start. Number one, pera pera. Pera pera, pera pera ka alag alag matlab hote hain. पेरा पेरा के दो या तीन मतलब हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग हमें याद रखना है वो है प्रोफिशिएंटली, लाइक निहोंगोवा जोजो दिस, निहोंगोवा पेरा पेरा दिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको पहले से ही जानते भी होंगे, N4 N5 में ही हम सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ये N3 वर्ब के तौर पर हम सीखते हैं, एडवर्ब के तौर पर। इसका दूसरा मीनिंग होता है पेरा पेरा नो कामी, यानी कि वो पेपर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है, उसको आप भूल भी सकते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ब एडवर्ब है हमारी किरा किरा। किरा किरा, किरा किरा का मतलब होता है चमचम या टिमटिमाना। जैसे कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, होशिगा किरा किरा कागायाइतेमास। कागायाकू का मतलब होता है टिमटिमाना या चमकना, कागायाकू एक वर्ब है और इससे पहले लगता है किरा किरा। तो किरा किरा का मतलब होता है टिमटिमाना या चमकना। ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए आ सकता है, जैसे कि सितारे के लिए, या फिर आईज़ के लिए भी आता है, अंगूठी के लिए भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडवर्ब इज़ पेको पेको। पेको पेको एक एडवांस वर्ब है, एडवर्ब है ये बताने के लिए कि आई एम हंग्री। तो इसका सिंपल सिंपल यूज़ हम कर सकते हैं, इमा वा पेको पेको दिस, सबसे सिंपल यूज़ है इमा वा पेको पेको दिस, यानी अभी मुझे भूख लगी है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ओनाका का पेको पेको दिस, आई एम हंग्री। एडवर्ब नंबर 4, इरा इरा। इरा इरा, इरा इरा का अगर हम हिंदी में सिंपल मीनिंग देखें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है इरीटेट होना, सॉरी इंग्लिश में इरीटेट होना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इरीटेट का शुरू का जो साउंड है वो इरा इरा से मिलता जुलता है। तो इस तरह से इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका होता है। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल सुनते हैं। जूत आएगा सुगोक नगाकुते वाताशिवा इरा इरा ओ शिमाश्ता, यानी कि ट्रैफिक जैम बहुत ही लंबा था और मुझे बहुत इरिटेशन हुई, इरा इरा। एडवर्ब नंबर 5, नोरो नोरो। नोरो नोरो, ये नोरोई वर्ड से बना है, नोरोई का अलग से मतलब होता है बहुत ही स्लो, तो नोरो नोरो का भी मतलब होता है स्लो। जैसे कि कार बहुत धीरे चल रही है, कुरुमागा नोरो नोरो हाशितेरु। हाशितेरु तो यू का हत्तेरु तो यू योना खंजिगा शिमास। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कार इतनी धीरे चल रही है कि हाशितेरु तो यू योना तो यू योरी, यानी कि भाग रही है, इससे ज़्यादा हम ये कहें कि हत्तेरु, यानी कि रेंग रही है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप इस वीडियो को दोबारा चला के कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं का भी मतलब होता है इमीडिएटली। जैसे कि भी हमने सीखा था सासो को, इमीडिएटली ये काम कर दीजिए, क्यों नहीं भी होता है इमीडिएटली, लेकिन ये डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, क्यों नहीं नेकोगा हशिते किमाश्ता, अचानक बिल्ली भाग कर आई। तो ये वो वाला अचानक है जिसमें टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है और आपको थोड़ा सा शॉकिंग एक्सपीरियंस भी हुआ है, तो ये यूजेज है क्यों नहीं का। सिमिलरली मैंने आपको बताया था साकी होदो, अभी हमने सीखा था साकी। साकी का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले। साकी होदो का भी बिल्कुल बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, 5-10 मिनट पहले। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि साकी होदो यूज़ होता है एडवांस एक्सप्रेशंस में, जैसे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में या फिर कस्टमर से टेलीफोन कॉल के ऊपर। फॉर एग्जांपल
saki hodo odenwa itadaita ken moshiwaki arimasen ga nani mo dekimasen. इसका मीनिंग है कि थोड़ी देर पहले आपने जो मुझे फ़ोन करा था या मुझसे जो चीज़ पूछी थी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मोशिवा की आरिमा सेन का मतलब है माफ़ी चाहता हूँ, और नानी मो देकी मा सेन मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता. चलिए फ्रेंड्स, अब इन एडवर्ब्स के साथ साथ हम अपने सेंटेंस प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, और सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ इससे और भी रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि साकी, साकी होदो, क्यूनी, सासोको, इन सब को भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं. तो वर्ड नंबर वन, साकी. साकी जैसे कि हमने कई बार डिक्शनरीज वगैरह में देखा होगा, साकी को यूज़ किया जाता है लिटिल वाई लगो के लिए. लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है लिटिल वाई लगो कुछ दिनों के लिए है, कुछ मिनट्स के लिए है, या कुछ साल या किस टाइम पीरियड के लिए है. तो इस तरह से साकी, साकी हो दो, साइकिन, इन सब में स्टूडेंट्स को टाइम फ्रेम का पता नहीं चल पाता. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट करिए. साकी का मतलब होता है 5-10 मिनट पहले. कोनो आइदा का मतलब होता है कुछ समय पहले. सेंजित्स का मतलब होता है कुछ समय पहले, मतलब कि 3-4 दिन पहले. सेंजित्स का भी वही मतलब होता है 3-4 दिन पहले. क्यों नहीं तो अचानक ही होता है कि क्यों नहीं देवागा नारी माश्ता, जैसे कि अचानक फ़ोन बज गया. सिमिलरली साकी, कोनो आइदा. सिमिलरली साइकिन का मतलब होता है रिसेंटली. इसमें भी कुछ दिन होते हैं लेकिन रिसेंटली आजकल ये होता जा रहा है, ये इस तरह से यूज़ होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए सेंटेंस की प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ. साकी हम यूज़ करेंगे 5-10 मिनट पहले के लिए. साकी देमवागा नारीमाश्ता ने, थोड़ी देर पहले फ़ोन बज रहा था ना. अब हम यूज़ करते हैं कोनो आइदा, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिन पहले. तो कोनो आइदा निंकिनो एगाओ मेमाश्ता, थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत ही पॉपुलर मूवी देखी. सेंजित्स तनाका सान नहीं आई माश्ता, कुछ दिन पहले या 3-4 दिन पहले मैं तनाका सान से मिला. या फिर आप किसी को थैंक्स गिविंग करते समय भी, थैंक्स बोलते हुए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि सेंजित्स ओतेत्स दाइता ताकि माश्ते अरिगातो गोज़ाइमास, उस दिन आपने मेरी बहुत हेल्प करी, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. साइकिन यूज़ हो गया. कोनो आइदा साकी. सासोकू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सासोकू का मतलब होता है इमिडिएटली, लेकिन वो इमिडिएटली यूज़ कैसे होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में सासोकू मे रिश्ते कुदासाई, देमवागा अरिमाश्ता नो दे सासोकू मे रिश्ते कुदासाई. तो इमिडिएटली अब ये काम करिए, ज़्यादातर ये इन रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. कानोजो मेंसेत्सु दे हाकी हाकी कोताएते ई कांजिगाशिमास, इसका ये मतलब है कि उसने इंटरव्यू में बहुत ही क्लियरली, बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही आंसर को बहुत ही फास्ट दिया है, यानी कि एकदम एडवांस, एकदम से ही आंसर को दिया है और एकदम क्लियर आंसर दिया है, और इसमें आवाज़ भी एकदम क्लियर होती है, क्रिस्प होती है, तब बोलते हैं हम हाकी हाकी. हाकी हाकी कोताए थे ई कांजिगा शिमास, यानी कि उसने इंटरव्यू में अच्छे आंसर दिए और मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है. अच्छी फीलिंग आने का मतलब है कि इंटरव्यूअर कह रहा है कि मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ. किरा किरा, इसका मैंने जैसे कि आपको मीनिंग बताया कि चम चम चमकना. तो सेंटेंस को देखिए, तकसान नो होशीगा किरा किरा कागायाई तेरू. कागायाई तेरू एक N3 की वर्ब है, इसका मतलब होता है चमकना. और अगर हमने किरा किरा शुरू में लगा दिया तो इसका मतलब और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है कि वो ब्राइट या फिर एकदम अच्छी तरह से चमक रहे हैं, हमें देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये भी इसका मीनिंग है. मैंने आपको बताया जैसे कि यह अंगूठी के साथ, आंखों के साथ, स्पार्कलिंग के साथ ही होता है, जो भी चीज़ स्पार्कल कर रही है, टिमटिम आ रही है. ध्यान दीजिए, एक और एडवर्ब होती है, जैसे कि किरा किरा हमने यूज़ किया टिमटिमाने के लिए. एक वर्ब होती है जो पूरी पॉलिश करके, जैसे कार की छत पॉलिश हो गई, तो उसके लिए बिशित्तो वगैरह, इस तरह से वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका मतलब होता है पूरा सरफेस शाइन कर रहा है. किरा किरा एक पॉइंट के लिए आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पेरा पेरा, सॉरी मैंने इसका मीनिंग आपको ठीक से नहीं समझाया. स्टार्स, होशी, होशी की जो कांजी है वो है स्टार्स, यानी कि सितारे. और तकसान नो होशी गा किरा किरा कागाए तेरो, आसान सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा. मेनी स्टार्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट. पेरा पेरा, पेरा पेरा का पहले अलग से मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को बहुत ही प्रोफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरह से, स्किलफुली बोलना. तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस दिया है, आपने ये पहले सुना भी होगा, निहोंगो पेरा पेरा दिसने, यानी कि आपकी जापानीज लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है. पेको पेको, ये भी बहुत इजी है, इसको याद करना.
ओनाका पेको पेको देस। देखिए मैं अपने दूसरे वीडियोस में भी बताता हूँ, जो भी मीनिंग आपको याद करना है, चाहे एडवर्ब हो वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लिश में अगर जैसे मान लीजिए मीनिंग याद करना है, तो अगर आप पेको पेको इज हंग्री इस तरह से याद करेंगे तो गलत है, याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबी बहुत ही बड़ी वास्ट वोकेबलरी होती है, लगभग 3,000-2,500 इतनी वोकेबलरी आपको याद करनी पड़ती है, तब जाके आप N3 N2 निकाल पाते हैं। तो इसका सही तरीका है कि आप सेंटेंस को बोलिए ओनाका पेको पेको देस, आप इमेजिन करके बोलिए कि जैसे भी मुझे भूख लगी है तो ओनाका पेको पेको देस या इमावा पेको पेको देस, तो ये याद करना बहुत बहुत ईजी होता है। अब जोकाई में आएगा मान लीजिए अचानक ही, तो आप पेको पेको को हंगरी इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करके ये सोचेंगे, अचानक ही फीलिंग आ जाएगी भूख की, तो ये तब होगा जब आप 3-4 बार इस सेंटेंस को बोलेंगे और इमेजिन करेंगे। आगे भी मेरी पूरी कोशिश है कि सारी वोकैबुलरी आपको इसी सेंटेंसेस के ही तौर पे मैं सिखाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरा इरा, जैसे कि मैंने बताया कि इरिटेशन से इरा इरा साउंड बड़ा मिलता जुलता है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जूताई गा तोते मो नागाकुते, जूताई की कांजी है, ये भी याद रखिए, N3 में आती है। इसका मतलब होता है जाम, ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक कंजेशन। जूताई गा तोते मो नागाकुते, बहुत ही लंबा जाम था, इरा इरा शिमाश था और मैं इरिटेट हो गया। नोरो नोरो, नोरो नोरो का मतलब है स्लगिश, धीरे, स्लो। माय हाशितेरु कुरुमागा नोरो नोरो उन्तिंश तेमास, यानी सामने हमारे जो कार चल रही है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे ड्राइव हो रही है, धीरे धीरे ड्राइव कर रही है। तो नोरोई से ये वर्ड बना है, मैंने आपको अभी बताया था जैसे, तो नोरो नोरो। अगेन मैं वही बोलूंगा कि इंग्लिश में ना सोच के इसको जैपनीज सेंटेंस से ही याद करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे क्यू नी सासोकु, साकी हो दो, साकी। ये भी एडवर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उस एक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, एक्शन को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ बोलूँ आमेगा फुत्ते किता, तो बारिश आ गई, तो ये भी ठीक है मीनिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्यों नहीं आमेगा फुत्ते किता, तो इसका मतलब है कि अचानक ही बारिश आ गई, तेज़ी से बारिश आ गई, यानी कि बहुत मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ही जल्दी बारिश आ गई। इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। सासोकु, इसका भी मतलब इमीडिएटली होता है, लेकिन ये वो वाला सडनली नहीं है जो अभी जैसे भी हमने क्यों नहीं सीखा था, जिसमें हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस मिला। सासोकु होता है कि किसी काम को करने के लिए, जैसे कि सासोकु ओक्यासानी हिंजियो काइतेकुदासाई, तो इसका हिंदी में मीनिंग है फटाफट से कस्टमर्स को रिप्लाई लिख दीजिए। लिख दीजिए का मतलब है मेल कर दीजिए, लेटर लिख दीजिए, जो भी करना है, प्लीज राइट रिप्लाई टू द कस्टमर इमीडिएटली। साकी, साकी हो दो, ये दोनों पैटर्न्स बराबर ही होते हैं, मैंने आपको बताया। साकी हो दो थोड़ा सा ऑफिशियल स्टेटमेंट में यूज़ होता है, साकी जो है वो यूजुअल उसमें यूज़ होता है। तो साकी हो दो को मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे, इसलिए यहाँ पर साकी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। साकी हिन्ना हितोनी कोए काकेरा रिता, पहले कोए काकेरा रिता का मतलब देखते हैं। कोए का मतलब आवाज़, काकेरू मतलब लगाना यानी आवाज़ लगाना, यहाँ पर लिखा है कोए काकेरा रिता यानी कि उसने मुझे आवाज़ लगाई। तो हिन्ना हितोनी कोए काकेरा रिता मतलब कि उस व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई थोड़ी देर पहले, एक अजीब से व्यक्ति। हिन्ना हितो का मतलब है अजीब सा व्यक्ति, यानी कि मेरे उस जानता पे जान पहचान नहीं थी और मुझे देखने में बहुत अजीब भी लग रहा था वो, और मुझे इस बात से थोड़ी सी घबराहट या इरिटेशन भी है। ये इसका पूरा मीनिंग है, साकी हिन्ना हितोनी कोए काकेरा रिता। आगे आने वाले वीडियोस के लिए N3 के अभी बहुत सारे और भी एडवांस एक्सप्रेशन हैं, अभी मैंने शायद अराउंड 10 एक्सप्रेशन यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए होंगे। इसी तरह से 10-10 एक्सप्रेशंस करके अराउंड 60 एक्सप्रेशंस हमें सीखने हैं, जिससे कि आपकी N3 की काइवा ही नहीं, दोका ही नहीं, चोका ही भी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।